सो गाइज आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलने वाले हैं एक और नया गेम जिसका नाम है फार्मर लाइफ। और ये वाला गेम बिल्कुल अपने रेन सिम की तरह है, बट आप सोच रहे होगे कि बिल्कुल सेम है तो बाद में खेल क्यों रहे। अपन इसको इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हॉर्स भी है और अपन हॉर्स को चला के भी देखने वाले हैं कि कितने स्पीड में चलने वाला है और कितना मस्त लगने वाला है। अभी तो आपको मैं इस बंदे की स्टोरी बता देता हूँ कि बंदा ना इसके जो मदर और जो फादर है उन दोनों की डेथ हो गई है, उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया और ये सिर्फ नशे में रहता है, बियर की बोटल्स पीता है, वाइन पीता है और कोई भी काम नहीं करता। अभी अपन इसको कंट्रोल करने वाले हैं तो अपने को साय का सारा रेंज सामान लगा और साथ ही में ना जितनी भी यहाँ पे टूटी फूटी चीज़ें हैं उन सभी को अपने को वापस से रिपेयर करना होगा। और अभी तो सामने की साइड में आप एक पिक देख रहे हो ना, ये अपना पेट है और ये पेट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कि पीछे की साइड में दिखाऊं तो यहाँ पे एक दिल है और इस साइड में भी, ओ इस साइड में भी एक दिल है, दोनों साइड में एक दिल दिल है। और ये वाला पेट काफी ज्यादा शानदार है क्योंकि यार इसके मम्मी पापा की डेथ के बाद में सिर्फ इसी का यही एक सहारा था। अब भी देखो इस साइड में वैसे अपना एक ट्रैक्टर है जो कि इसका एक टायर ना वही है ही नहीं, ये काफी ज्यादा पुराना ट्रैक्टर है। यहाँ पे नीचे की साइड में कुछ ब्लॉक्स लगा के बाद में यहाँ पे खड़ा कर रखा है, वैसे इसके अंदर अपन बैठ नहीं सकते। ओ फिक्स योर ट्रैक्टर, एक सेकेंड जी ओपन योर जर्नल, अपन इसको फिक्स कर सकते हैं लेकिन अब भी अपन इसको फिक्स नहीं करने वाले क्योंकि देखो अपने पास अभी कोई टूल भी नहीं है इसको सही करने के लिए, तो उसको अपन बाद में रिपेयर करने वाले हैं। तो पहले अपन अपना पूरा रेंज देखने वाले हैं। वैसे इस साइड से ये अपना यहाँ पे घर का एरिया रहता है और यहाँ पे इस साइड में चल के देखें तो ये मेरे को लगता है कि अपना पूरा का पूरा खेत है, फील्ड है जहाँ पे अपन कुछ भी मतलब कि लगा सकते हैं अपनी गेम वो कुछ भी उगा सकते हैं। अभी इस साइड में चलें तो यहाँ पे कुछ पेड़ है जो कि मेरे को पता नहीं है किस चीज़ के पेड़ हैं, बट ये नीचे की साइड से वाइट है और उसके पत्ते भी थोड़े थोड़े वाइट हैं, पता नहीं साइड तक मेरे को लगता है तो हाँ तो कि एप्पल के पेड़ हो सकते हैं। वैसे यार एप्पल के पेड़ ऐसे तो नहीं होते, ना ही कोई इनके एप्पल लगा हुआ। चलो छोड़ो इनको रहने देते हैं। अभी इस साइड में से लेके देखें तो यहाँ पे भी यार सारा का सारा सामान टूटा फूटा पड़ा है। इस साइड में चेयर है जो है तो बढ़िया सी लेकिन टूटी फूटी पड़ी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटी हुई हैं लेकिन ये साय के सारी है ना खराब हो चुके हैं बारिश की वजह से। अब भी अपन वापस चलते हैं अपनी उस डायरेक्शन में। और ये क्या चीज़ है भाई, एक सेकंड, ये कुछ ना कुछ तो था, पता नहीं मेरे को क्या है लेकिन लकड़ी का कुछ ना कुछ तो काम में आने वाला है, बाद में अपने यूज में लेंगे। अभी देखो पहले अपन काम करने वाले हैं, बाद में उस साइड वाला रेंच है ना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देर आर सिल स्टिक्स लेफ्ट, ओके ठीक है। अपने पास एक छोटी सी फील्ड है वहाँ पे से अपने को स्टिक्स डालनी है जो कि ये वाली है। फिर देखो बाकी सारे में ग्रास ही ग्रास है लेकिन इस बंदे ने बस थोड़ा बहुत काम किया है क्योंकि यार इसके पास अनाज बिल्कुल खत्म हो गया था तो उस चक्कर में इसने खाने के लिए बस इतनी फील्ड साफ की है। अब भी यहाँ पे बस थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हैं तो वो अपने को साफ करनी होंगी। तो एक तो ये वाली उठाई, अभी यहाँ से ये वाली भी उठाते हैं। ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं है, थोड़ी बहुत ही लकड़ियाँ हैं और ये सारी सारी लकड़ियाँ अपनी इन्वेंट्री के अंदर आ चुके हैं जो कि टैप करने पे खुलने वाली है। हाँ ओके, यहाँ पे अपनी लकड़ियाँ आ चुकी हैं, ये वाली ओके ठीक है, ये वाली सारी अपने काम में आने वाली हैं। अपन को ये आग वग लगाएंगे तो उसके फ्यूल में काम आ जाएंगी, मतलब कि अपने को और ज़्यादा लकड़ियाँ लेके नहीं आनी होंगी, ये साय की सारी काम में आ जाएंगी। अभी साय का सारा एरिया तो मैंने क्लीन कर दिया है, अभी अपने को क्या करना है, सर्टिफाइड कश्मीर हंगर, ओके ठीक है, इसका कश्मीर नाम है। तो अभी अपने को क्या करना है, इसकी भूख मिटानी है। तो भूख मिटाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स पड़े हैं जो कि मे भी 5 एप्पल हैं तो इनको सभी को मैं उठा लेता हूँ, ये भी ये भी ये भी। अभी क्या करना है, इन सभी को खाने के लिए पहले अपने को अपनी इन्वेंट्री के अंदर चलना है। ओके अभी यहाँ पर जाने के बाद में कंज्यूम, ठीक है यहाँ से अपन आराम से खा सकते हैं। तो मैं यार काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ तो मैं साइकिल साइकिल चीज़ें खा लेता हूँ, मैं 500 एप्पल खाने वाला हूँ, लास्ट एक बचा तो इसको भी खा लेते हैं। ओ भाई इसको खाना खिलाते हैं, इसको यार भूख भी लग गई है तो पहले इसको अपन पानी भी पिलाने वाले हैं। वैसे पानी की ये वाली बोतल पानी की है शायद तक हो सकती है, इन्वेंट्री के अंदर चल के देखें भी ये वाली कंज्यूम। ओके पानी तो अपने पिला दिया, बस मेरे को जहाँ तक लगे यार ये वाली बियर की बोतल ना हो वरना अपन अभी नशे में धुत हो जाएंगे। अभी इस साइड में वैसे एक वेल भी है, इसके ऊपर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओ अपन यहाँ से भी पानी निकाल के पी सकते हैं, कोई नहीं अभी अपन यहाँ से भी पी लेते हैं साथ में ई। ओके नहीं नहीं वापस से नहीं पीना यार, इसने एक ही बार में पी लिया था, मैंने वापस से कर दिया। अभी वापस से पीछे चलते हैं। और वैसे हाँ तो इतनी देर से क्यों कर रहा है भाई, ये इतनी देर से तू चा तू चा कर रहा है, मेरे को लगता है कि इसको भी भूख लग रखी है। वैसे इसका खाना यार यहाँ पे कहीं पड़ा तो है नहीं, तो इसका खाना भी अपने को ढूंढना होगा। और बाकी आपको एक चीज़ बताऊँ, जो अपने खाने का लेवल है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की साइड में अपना वाटर का और जो अपना फूड का लेवल है वो वाला है, जैसे वो कम होगा तो अपने को पता चल जाएगा। अभी अपने को क्या करना है, लीड द हॉर्स टू, ओ ओ भाई अपने को हॉर्स के पास चलना, ये वाली सबसे अच्छी बात की यार, अपने को हॉर्स के पास
इतनी देर से मैं गेम खेल ही ले रहा था ताकि अपने हॉर्स के पास जा सके। अब ये वाला गेट भी ओपन करते हैं और देख रहे हो कितना बड़ा बाण है। वैसे अंदर की साइड में चलते हैं तो यहाँ पे तो यार कोई हॉर्स है ही नहीं, ना इस साइड में हॉर्स है और ना ही कोई साइड में। वैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पड़ी हैं और ये सारे के सारे कंटेनर्स पड़े हैं जो कि ऑयल के लगते हैं। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, जितना भी ऑयल हो जाता था वो ऐसे कंटेनर्स में आता था। और इस साइड में एक मिल्क कैन पड़ी है और ये सारे के सारी ग्रेन्स पड़ी हैं जो कि अपने हॉर्सेज के लिए और अपने पिग्स के लिए हैं। और अब भी सामने की साइड में देख रहे हो आप, ये वाला बंदा मेरे को काफी ज़्यादा बड़ा हंटर लगता है। इसमें देख रहे हो सामने की साइड में ऊपरी ऊपर एक बियर है, बाद में एक डियर है और यहाँ पे एक जंगली पिग है और इस साइड में एक वॉल्फ है। वैसे एक सेकेंड, ये भेड़िया है, ये लोमड़ी है और ये वाला क्या है, ओ हाँ ठीक है रैबिट है वाला। और नीचे की साइड में भी एक स्मॉल डियर है। अभी देख रहे हो ये इतना बड़ा मतलब कि ये क्या करता है, ये सिर्फ पीता है और जानवरों को मारता है, उनको खा लेता है। अभी इस साइड में यहाँ पे ये जितने भी है ना डब्बे, इनमें मेरे को लगता है कि इसकी गन की एमओ वेमो आती है, बाद में इनको मार के लेके यहाँ पे लाके काटता है। और इस साइड में कुछ पानी वानी पड़ा है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दूध ये पीता रहता है साथ साथ में। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। वैसे ये वाली चीज़ क्या है, एक सेकेंड, ओके यू कैन इंटेग्रेट, ओके ठीक है। अच्छा अपन एनिमल्स के साथ इंटेग्रेट करके उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अपन मतलब कि खेत में अनाज लगाते थे तो पहले अपने पास ट्रैक्टर वैक्टर तो होते नहीं थे, तो कुछ ऐसे से अपन अनाज लगाते थे। और अब भी जो अपना ट्रैक्टर है वो भी ख़राब हो रखा है और उसको सही करने के लिए अपने पास रुपये भी नहीं है, तो अपने को इसी को यूज़ में लेना होगा। और पीछे की साइड में चल के देखें तो यहाँ पे एक ये कुछ पड़ा तो है जो कि कोई काम का नहीं है, सारा का सारा कबाड़ पड़ा है। पर पहले अपन को यार होस्ट ढूंढना है, अपन सिर्फ होस्ट के लिए आए थे, वो ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है। और इस साइड में यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खाना पड़ा है या फिर पता नहीं है यार खाना सही लग रहा है। अभी यहाँ पे अंदर की साइड चल के देखते हैं और अंदर की साइड में देखते, ओ भाई ये अपना हॉर्स जो कि काफ़ी शानदार सा लग रहा है। और इस साइड में वैसे यहाँ पे ना एक ही हॉर्स है लेकिन एक बारी में अपन तीन तीन हॉर्स यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे इनका खाना वाना पड़ा है, वैसे ये वाला खाना नहीं लगता। यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये नेस्ट है जहाँ पे चिड़िया वड़िया ये पालता होगा और उनके अंडे बाद में बेचता होगा। अब भी अपन एक काम करते हैं, पहले तो अपने हॉर्स को बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर अपन राइड भी करके देखने वाले हैं कि कैसे भगता है और कैसे आराम से चलने वाले हैं। तो आज अभी पीछे पीछे ज़्यादा पहले अपन इसको लीड करने वाले हैं, बाहर निकालते हैं। अभी गेट को वापस से बंद करते हैं आराम से। अच्छा पहले गेट को वापस खोलना ही पड़ेगा वरना अपना जो हॉर्स है वो बीच में फंस जाएगा। एक सेकेंड आराम से भाई, हाँ बस अभी ठीक है। अरे हॉर्स पीछे पीछे, हेलो कम कम कम, और ये अपना पिक गए भाई अपने पीछे पीछे रहता है, ये अपना पीछा छोड़ता ही नहीं है। पहले हॉर्स को बाहर निकालते हैं, अभी थोड़ा धूप मिल ले आने के बाद इसको अपन पहले तो देखने वाले हैं। और जो अपना हॉर्स है काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे सामने की साइड में ये वाले मेरे को लग रहा था कि यार तलवार है लेकिन ये वाली तलवार नहीं है, ये वाली मतलब कि जो अपने पीछे की साइड में प्लाव जोड़ेंगे ना उसके लिए काम में आने वाला है। बाकी हॉर्स बढ़िया है लेकिन इसके ऊपर अपन, ओ अपन इसके ऊपर बैठ भी नहीं सकते यार, इन्होंने हॉर्स दे दिया लेकिन कोई काम का नहीं है। ना इसके ऊपर अपन बैठ सकते हैं, ना इसको चला सकते हैं, मतलब कि वैसे अपन लीड कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर बैठ के अपन इसको नहीं चला सकते, ना इसको भगा सकते हैं। अभी कोई नहीं, अपडेट के बाद में मेरे को लगता है कि साइड से अपन इसके ऊपर बैठने लग जाएं। अब इसको पहले तो अपने को अपने बाण के अंदर ले जाके चलना है और बाद में वहाँ से अपने को जो ये वाला प्लाव है इसको अटैच करना है। तो इसको अटैच ये उस साइड से होने वाला है, तो मैं काम करता हूँ उसको पहले पूरा उस साइड से घुमा के ले जाता हूँ। इस साइड में, इस साइड में, उस साइड में नहीं जाना, यहाँ पे आराम से साइड जा, कमोन 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 पीछे पीछे। और मेरे को जहाँ तक लगता है ना इसको टेच करने के बाद में पक्का ऐसे बोलेगा कि यहाँ पे तुमको गेहूँ वेहूँ उगानी है कुछ भी, जो ये वाली फील्ड क्लियर की है ना इस वे। अभी इस साइड से आना अपने को, तो ये पूरा घूम के आने वाला है। ओह भाई पूरा का पूरा घूम के आने वाला है। अभी यहाँ पे आने के बाद में अपने को इससे अटैच करना है। वैसे यहाँ पे कुछ है अटैच करने के लिए, कुछ है नहीं लेकिन अपन नॉर्मली अटैच कर सकते इसको, कनेक्ट द होस्ट, ओके ओ आराम से अटैच कर लिया अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अपने को करना है स्टार्ट फ्लोइंग, ओके ई स्टार्ट फ्लोइंग। अभी इसको खुद अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो पहले धीरे धीरे इसको आराम से बाहर निकालते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा लंबा यू टर्न मारने वाला है, इसको थोड़ा इस साइड में, हाँ इसकी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, वैसे बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा है जो कि कोई मतलब का नहीं है। तो पहले इसको अपन पूरा मोड़ते हैं आराम से, अपने को करना है आई नीड टू कट डाउन दोज वीड्स फर्स्ट, ओके ठीक है। पहले अपने को फील्ड के अंदर चलना है, वहाँ पर जाने के बाद में अपने को स्टार्ट प्लोइंग करनी है। पहले मैंने यार पहले ही स्टार्ट कर दी, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गेम उग जाएगा लेकिन कोई नहीं। अभी पूरा इस साइड में घुमाते हैं, वैसे हमको पता नहीं कैसे करते हैं, बस अपन स्टार्ट कर रहे हैं।
आराम से है भाई यार, इतना मत घूम यार, इतना तो मेरे को पता ही नहीं जितना तू घूम रहा है यार। इतनी मुश्किल से मैं तेरे को यहाँ पे लेके आऊँ और अभी यहाँ पे आने के बाद में तू ऐसे कर रहा है। अभी यहाँ पे स्टार्ट फ्लोइंग, ओके अभी जैसे भी होगा ना वैसे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मेरे को पूरा परफेक्ट तो आता ही नहीं कि कैसे होने वाला है, बट जितना होगा उतना अपन करने वाले हैं। तो गाइस अभी मैंने साइकिल स्वाइप फील्ड को तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। वैसे हाँ मेरे को एक चीज़ और पता चल गई है कि अपन होस्ट को डायरेक्ट भी घुमा सकते हैं बिल्कुल ऐसे। पहले क्या होता था कि मेरे को पता ही था अपन पूरा राउंड करने वाले थे, कोई नहीं अभी अपने को पता चल गया है। और बाकी अगर अपने को सीट चेंज करना होना तो अपन यहाँ से अपना जो सीट अपने पास जो होगा वो वाला अपन सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तो फिनिश करते हैं, अभी अपने को और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। एंटर योर होम एंड फाइंड द बेड, ओके ठीक है। अपन एंटर करते हैं अपने स्वीट होम में, जो क्या काफी ज्यादा शानदार सा लग रहा है। घर दिखने में इतना ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन कोई नहीं, घर तो घर ही होता है। अभी अपन एंटर करते हैं अपने घर के अंदर। एंटर करने के बाद में सबसे पहले तो यार ये घर थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा है मेरे को। हाँ घर टूटा फूटा है और ना इस घर के अंदर कोई लाइट वाइट भी यार कुछ भी नहीं है ना इस साइड में। एक सेकंड, यहाँ पे एक मिरर है लेकिन इसके लिए यहाँ पर अपना फेस नहीं देख सकते हैं। अभी इस साइड में भी एक रूम है जहाँ पे एक बास्केट पड़ी है, यहाँ पे मतलब इसका खाने वाने का कुछ सामान होगा। यहाँ पे प्लेट व्लेट पड़ी है और ये वाला किचन है, हाँ ये वाला किचन है। यहाँ पे देख लो ये वाली भट्टी है जहाँ पे ये लकड़ियाँ आती हैं, बाद में यहाँ पे खाना पकता है और जितना भी धुआं है वो ऊपर की साइड से निकल जाता है। और यहाँ पे भी इसका वही सामान है जो भी किचन के अंदर होता है, वो सारा सामान इसका पड़ा है। यहाँ पे प्लेट व्लेट पड़ी है बट इसके पास देखो खाने का कोई सामान नहीं है, सारा का सारा वही सामान है जिसके ऊपर खाना रख सकते हैं। इसको खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये वाला रूम तो क्लोज है, नहीं यहाँ पे अपन नहीं जाने वाले। और ये अपना बेडरूम है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला अपना बेडरूम है जो कि मस्त है। यहाँ पे एक चेयर है और ये वाला भाई मतलब कि सारे की सारी जगह ये भाई गोलियां ही गोलियां लगता है। मतलब कि मेरे को लगता है जैसे ही उठता है डायरेक्ट हंटिंग में जाता है, बट सबको गोली मारता है, वापस से आता है और मीट खा के सो जाता है। हाउ लॉन्ग यू वुड ओके ठीक है। अब भी देखो इसके अंदर ना अपन अपने टाइम के हिसाब से सो सकते हैं, जितनी देर अपने को सोना है उतनी देर अपन सो सकते हैं। तो अभी अपना दोपहर का मौसम है तो मैं शाम को उठने वाला हूँ, तो काम करते हैं अपन 3 घंटे नहीं 4 घंटे सो जाते हैं, एक्सेप्ट ओके। जुलाई 1945 में आ गए हैं और कुछ अपने को ढंग से दिखाया नहीं दे रहा। मेरे को लगता है इसने फिर से नशा कर लिया है। देख लो साई की सारी अपने को दो दो चीजें दिखाई दे रही है, साइकिल भी अपने पास, इसको अपन उठा सकते हैं। ओ अपन साइकिल चला सकते हैं, वाह यार भाई ये वाली शानदार चीज थी, वैसे अपन चला नहीं पा रहे क्योंकि यार देखो साई की सारी अपने को दो दो चीजें दिख रही है, उसको तो मैं वापस से रखता हूँ। हाँ वैसे साइकिल शानदार सी थी, कोई नहीं अपन वापस साइकिल पर बैठते हैं। और अभी अपन नशे में भी साइकिल चलाने वाले हैं वैसे, हाँ नहीं नहीं गिर सकते हैं, तो नशे में कभी व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अभी बस अपन पैदल चलने वाले हैं। और यहाँ पे ये किसी विलेज में वो अपना घर है जहाँ पे कोई आता नहीं है, और सामने की साइड में यहाँ पे शॉप है। और अभी इस बंदे को और भी ज़्यादा बियर और वाइन चाहिए, तो उसके लिए बंदा पता क्या कर रहा है, इसके पास वो थोड़े मोटे टूल बचे थे ना वो भी साइकिल सर ये बेच रहा है। पता नहीं यार बाद में किससे काम करेगा, लेकिन कोई नहीं अपन मेहनत करेंगे, अभी तो उसके लिए अपने वो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके पास चलते, देखो भैया अच्छी सी रेट लगा लेना वरना मैं बता रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर मर्डर कर दूंगा आपका, और ये यिप्पी गन आपको खा जाएगा ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको सेल आइटम करना है। तो पहले यहाँ पर जाने के बाद में अपने को इसको क्या करना है, इक्विप तो नहीं करना अपने को यार, इसको सेल करना है। एक सेकंड, ई टू टोल का था, पहले अपने को इससे बात करनी है। लेट्स अस ट्रेड अ गिफ्ट मॉनसिन अ गिफ्ट बोतल ऑफ वोदका, गुड बाय भाई, अ गिफ्ट बोतल ऑफ वोदका सेम यू डोंट हैव इट ऑन यू एंड ओके ठीक है। अपने को पहले सेंड करना होगा क्योंकि अपने पास रुपया नहीं है एक भी, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ से अपन अपनी सब्जियाँ भी खरीद सकते हैं और यहाँ पे ला के अपन अपनी सब्जियाँ बेच भी सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास कुछ नहीं है, अपन बाद में बेचने वाले हैं। अभी क्या, वेलकम टू फार्मर लाइफ, एनिमल फीडिंग, क्रॉप सीजनलिटी, फिशिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाद में धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ये अपना किचन है जहाँ पे कुछ ऐसा सा अपन खाना पका सकते हैं। भाई ये वाला गेम तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हंटिंग विद, ओ अपने पास गन भी मिलेगी, अपन हंटिंग भी कर सकते हैं। ओल्ड एज, यहाँ पे एक रिवर भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अभी शेल्टर, ये अपना शेल्टर है जहाँ पे कुछ ऐसे से अपन हिरण लाएंगे और बाद में उसको अपन काटने वाले हैं। ओके ठीक है, ये तो सारा कुछ मेरे को पता चल गया। अभी बस मेरे को ये बताओ कि इसको मैं बेचूँ कैसे। अच्छा अभी मैंने वो क्या करना है, जो भी इसमें वो चीज़ बेचनी है उसको यहाँ पे उठा के। और ये वाली वैसे है क्या, ये वाली तो वो है जिससे अपन पेट काटते हैं, जिसको मतलब कि अपन आरी बोलते हैं, वाकई मेरे को पता नहीं यार उसको क्या बोलते हैं, लेकिन आरी तो उसको जरूर बोलते हैं इंग्लिश में। उसको क्या बोलते हैं, टिनवेयर, ओके अ पीस ऑफ टिनवेयर। अब इसको उठा के अपने को साइड में रखना है ओके। और एक तो ये अपने बेच दिया है,
और अब भी अपने को दूसरी भी बेचनी होगी जो अपने एक्स है यार। कुछ भी नहीं बचा, अपने सब कुछ बेच दिया है। हाँ सुन ले, अगर मैं वापस आया और मेरे को पता चला कि तूने मेरे से सस्ते में लिया है और कोई और मेरे को ज़्यादा रुपए देने वाला था तो मैं तेरे को बिल्कुल भी छोड़ने वाला था। जितने ड्राम वूम जितने भी ना सारे मैं यहाँ से मतलब कि फेंक दूंगा, तेरे को गोली मार दूंगा, ठीक है ना। ध्यान से अब भी अपने को कहाँ पर चलना है भाई। ओ यार भाई अभी भी इसको दारू पीनी है, बंदा पता नहीं कितनी ज़्यादा दारू पीने वाला है। दारू भाई मैं बाद में लेने वाला हूँ, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने वाला हूँ एरिया। यहाँ पे ये वाला कुछ चर्च वर्च का है जो कि मेरे को पता नहीं है क्या होता है। अभी यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार एरिया है। वैसे अपन है ना कुछ करने के बाद अपन भी यहाँ पे अपनी शॉप को लगा सकते हैं। बंदे आएंगे वो अपन से सामान सुन खरीदेंगे और थोड़े बहुत रुपए अपने भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाला भी कुछ नहीं, इसको अपन घर पे ले जा सकते हैं। नहीं यार अगर घर पे ले जा सकते ना तो मैं इसको चुरा लेता यार। और यहाँ पे एक रिवर है जिसमें अपन एक सेकंड नीचे की साइड में चले गए, देखें नहीं यार इतना तेज़ नहीं आ रही रिवर तो कोई मतलब नहीं है, वरना तो क्या पता इसके अंदर अपन डूब भी जाते। अभी तो अपन बिल्कुल भी नहीं डूबने वाले। और लास्ट में एक घर है जो कि ये वाला है जो कि बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है और इसके अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, सारे के सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। अभी अपन वापस से एक सेकेंड, यहाँ पे टैंक है। मेरे को लगता है इस वाले विलेज में कभी ना कभी तो हमला हुआ है और उसके बाद में जो ये वाला विलेज है सारा का सारा टूट फूट चुका है, क्योंकि देख रहे हो टैंक तो जब ही आता है जब या तो कोई आतंकवादी हमला करे या फिर कोई आर्मी वाले आए। कोई नहीं, इसको छोड़ो अपन वापस चलते हैं। अपने को पहले एल्कोल लेनी है और बाद में घर पे चलना है, जल्दी से यहाँ से भगते हैं। और वैसे सामने की साइड में देख रहे हो एक टैंक और खड़ा है और दूर दूर तक पहाड़ी तो काफ़ी मस्त लग रही है। हाँ उस साइड में से समुंदर भी है, अपन समुंदर में बाद में कभी जाने वाले हैं। आप मेरे को कमेंट दे देना कि अगर उस साइड में चलना होगा तो अपन उस साइड में भी चलने वाले हैं। वैसे एक चीज़ आपने नोटिस की, मतलब कि मेरे को याद नहीं था मैं घर पे जा रहा था, लेकिन पिग ने यहाँ पे आके रुक गया और यहाँ पे आके चीखने लगा कि भाई तेरे को एल्कोल लेनी है। थैंक यू यार, अपना कब्जा अच्छा प्रैक्टिस को सब कुछ पता रहता है कि अपने को क्या करना है। हेलो आंटी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे जो भी टाइम है मेरे को पता नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग। अभी ई टू टोल्क, ओके लेट्स ट्रेड अ गिफ्ट फॉर गुड बाय निया। अपने को ट्रेड करना है, अपने को क्या लेनी है। अभी अपने पास एक बियर है, अपने पास एक वोदका है और तो कुछ नहीं है अपने पास, तो अपन और कुछ नहीं लेने वाले, अपन सिर्फ तीन बियर लेने वाले हैं। क्योंकि यार वोदका ज़्यादा अच्छा तो बियर ही है, इतनी ज़्यादा नुकसान तो अपने को करने नहीं वाली। तो इसमें से अपन कितनी ले, वन ले टू ले थ्री ले, नहीं वन ही लेने वाले हैं, ज़्यादा अपन बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। कन्फर्म, ओके डन। अभी अपने को चलना है रिटर्न होम, ओके। और आज के बाद में भाई अभी तो देखो अपना मिशन था इसलिए अपने को पीनी पड़ गई, वरना अपन बिल्कुल भी नहीं पीने वाले। अभी अपना पिग है वो किस साइड हो गया भाई, ओ रहा आ जा पीछे पीछे जल्दी आ जा घर पे आ जा। अभी घर पे चलने वाले हैं और घर पे जाने के बाद में अपन थोड़ा बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि यार अकेले पीने से और ऐसे करने से तो यार अपना रेंज वापस से सही होने वाला नहीं है। अभी अपनी जो साइकिल थी ना जो मैंने यहाँ पे गिराई थी उसको अपन लेके चलने वाले हैं। ये भी अभी मैं अपनी साइकिल से अपने घर पे तो आ चुका हूँ और बाकी अपना घर ना अपनी जो मार्केट है उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, लगभग भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा दूर है। ये अपना घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस है और ये वाली चर्च थी, वो घर अपना इतनी दूर है तो अपन इतनी दूर इसीलिए साइकिल लेके गए थे। मैं सोचा भाई थोड़ा करीब होगा, वरना ये बंदा साइकिल लेके क्यों जाता। तो अभी अपन पहले तो अपनी साइकिल को अपने घर के अंदर खड़ा करते हैं और हाँ अपना पिक है वो भी अपने पीछे पीछे धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि अपने पास तो साइकिल थी तो अपन तो स्पीडली आ गए हैं। और वैसे ही यहाँ पे एक सेकेंड, और अपने पास एक मुर्गी भी है जो कि ये वाली है। ओ रुको 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 रुको, भागना नहीं है भागना नहीं, कहीं आराम से रुक जा। अरे भाई भाई पकड़ में आ जाए यार, ये वाली पकड़ में भी नहीं आ रही है। इसको E2O पकड़ भी सकते हैं, अभी इसको अपन रिलीज भी कर सकते हैं। तो अभी देखो अपने पास खाना तो कुछ है नहीं, तो अभी तो आज के लिए देते नहीं, बाद में कल अपन हंटिंग वंटिंग करेंगे, अपने लिए कोई थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ करेंगे, बाद में खाना खाने वाले हैं। हाँ अपने को पता चल गया कि कहाँ पे क्या क्या है, लेकिन अभी भी काफ़ी एरिया कुछ ऐसा है जो अपन ने एक्सप्लोर नहीं किया। आप मैप देख रहे हो कितना बड़ा मैप है, अपन ने तो सिर्फ दो ही चीज़ एक्सप्लोर की हैं, एक चर्च और एक अपना मार्केट, और बाद में डायरेक्ट अपने अपने घर पे आए हैं। उसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं पता कहाँ पे क्या है, तो वो भी अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत अनाज बड़ा हो जाएगा तो इसको भी अपन खाने वाले हैं। और हाँ एक और अपन यहाँ पे और भी ज़्यादा एनिमल्स भी लेके आने वाले हैं। तो तब तक लेके गाइस आप मेरे को कमेंट में जरूर से देना कि आज वाला गेम प्ले आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही में यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो वॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाकी कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लेके गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर।